नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस ऑडियो वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बनाना चाहते हैं गूगल पे एप्लीकेशन में, तो आप लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में गूगल पे एप्लीकेशन में ग्रुप से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि ग्रुप का नाम कौन बदल सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं एक ग्रुप में, कौन ग्रुप मेंबर को रिमूव कर सकता है, अगर आप ग्रुप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, और अगर ग्रुप एडमिन ग्रुप को छोड़ देगा तो फिर कौन ग्रुप एडमिन बनेगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने गूगल पे एप्लीकेशन के ग्रुप में मेंबर को ऐड करना चाहते हैं लिंक के द्वारा, तो वो आप लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब चाहिए और आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन में ग्रुप कैसे बना सकते हैं, तो फिर आप लोग इस वीडियो क्लास तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, गूगल पे एप्लीकेशन में ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पे आना होगा, और जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन पे आएंगे तो फिर आप लोगों को गूगल पे एप्लीकेशन को लॉन्च करना होगा। तो जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन से गूगल पे एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी गूगल पे एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया और इस पर लॉग इन कर लिया है। और उसके बाद ग्रुप अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर से प्लस का आइकन मिलता है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से इस प्लस के आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग इस प्लस के आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है न्यू ग्रुप का। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से न्यू ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग न्यू ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग इस ग्रुप में किस किस मेंबर को ऐड करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर से रिसेंट कॉन्टेक्ट से किसी को ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और जितने भी कॉन्टैक्ट आप लोगों को दिखेंगे वो आप लोग यहाँ पर से इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर से सर्च करना है अपने कॉन्टैक्ट से जिसको आप लोग ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर से क्या करना है, स्काईनेट को एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप में ऐड करना है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी लोगों को आप लोगों ने इस ग्रुप में ऐड करना है वो आप लोग ऐड कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को काउंटर भी दिखेगा कि आप लोगों ने इस ग्रुप में कितने लोगों को ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर से नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर से नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से बोल रहा है एंटर ग्रुप नेम। तो जो भी आप लोग अपने ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं आप लोग उसको रख सकते हैं। यहाँ पर 30 जो कैरेक्टर हैं वो मैक्सिमम इसकी लेंथ दी गई है, आप लोग यहाँ पर से अपने ग्रुप का नाम रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर से इसमें डेमो रख देता हूँ, DEMO मैंने यहाँ पर से उसको लिख दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर से क्रिएट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, हमारा जो डेमो नाम का ग्रुप है वो सक्सेसफुली बन चुका है, और इसमें टोटल 4 मेंबर हैं, 3 तो मैंने ऐड किए हुए हैं और चौथा मैं खुद हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए, हम लोगों को मैसेज लिखा हुआ मिल गया है, यू क्रिएटेड डेमो विद स्काईनेट ब्रॉडबैंड, और यहाँ पर से जितने लोगों को मैंने ऐड किया है वो यहाँ पर से हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर से हम लोगों से बोल रहा है से हेलो, और अगर आप लोग यहाँ पर से चैट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से चैट कर सकते हैं। जो भी मैसेज आप लोग भेजेंगे वो इन 3 लोगों को जाएगा और आप लोगों को भी वो मैसेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट मिलते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, किसी ने कोई मैसेज भेजा है या फिर नहीं भेजा है और आप लोग देखना चाहते हैं आप लोगों के पास मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप सेटिंग मिल जाती है, अगर आप लोग यहाँ पर से ग्रुप सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आप लोग अपने ग्रुप की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें और लोगों को ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पर से और लोगों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से नाम भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई ग्रुप मेंबर आपस में चैट कर रहे हैं और आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग डिस्टर्ब हो, तो आप लोग इसको म्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इनवाइट करना है लिंक के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पर से इनवाइट पीपल बाय लिंक, तो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का जो लिंक है वो यहाँ पर से बन जाएगा, तो आप लोग फिर इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू इसको शेयर करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस लिंक को रिसेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से रिसेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ बैक, और देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर से क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप लोग इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से लीव ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से ग्रुप को छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को ग्रुप में से किसी को हटाना है तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है माइनस का, तो आप लोग यहाँ पर से माइनस को सेलेक्ट करके इनको ग्रुप से हटा सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप से हटाना है, मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को ये जो आनंद बसेरा है इसको हटाना है ग्रुप से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से ये जो माइनस मेरे को दिख रहा है मैं इस माइनस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से माइनस को सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है रिमूव आनंद बसेरा फ्रॉम ग्रुप, दे वॉन्ट बी एबल टू सेंड और व्यू न्यू मैसेजेस इन द ग्रुप। तो जो भी ग्रुप में मैसेज किए जाएंगे वो इनको नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आप लोग इनको कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से रिमूव फ्रॉम ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से रिमूव नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर से इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों को
और भी इसके बारे में देखना है तो आप लोग यहाँ पर से डेमो जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोग डेमो को सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर से अपनी सेटिंग उसी पेज में पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर से टॉप राइट कॉर्नर में फिर से तीन डॉट को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट ग्रुप का। अगर आप लोग किसी ऐसे ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दिया गया जहां पर से स्पैमी चीजें हो रही हैं और आप लोगों को उस ग्रुप में नहीं रहना है तो आप लोग उस ग्रुप को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर से ग्रुप को रिपोर्ट करेंगे तो गूगल पे जो है एप्लीकेशन ये उस ग्रुप को रिव्यू करेगी और जितनी भी अगर उसमें स्पैमी एक्टिविटी चल रही है तो वहां पर से फिर उस ग्रुप को हटा दिया जाएगा। और अगर आप लोग को गूगल पे एप्लीकेशन से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग यहाँ पर से गेट हेल्प को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन को अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग अपना फीडबैक भी आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसा करके आप लोग आसानी से गूगल पे एप्लीकेशन में व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बना सकते हैं और फिर आप लोग आपस में चैट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन ग्रुप का नाम बदल सकता है। तो जो भी ग्रुप का मेंबर है वो सारे के सारे ग्रुप का नाम जो है वो आसानी से बदल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं एक ग्रुप में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो हो सकते हैं वो इसमें 100 हो सकते हैं। कौन ग्रुप मेंबर को रिमूव कर सकता है। तो जो एडमिन होगा वही ग्रुप मेंबर को रिमूव कर सकता है। अगर आप लोग ग्रुप छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो जितनी भी आप लोगों की ग्रुप की चैट हिस्ट्री है वो सारी की सारी आप लोगों की रिमूव हो जाएगी। और अगर ग्रुप एडमिन ग्रुप को छोड़ देगा तो फिर उस ग्रुप की देखरेख कौन करेगा, मतलब उस ग्रुप का एडमिन कौन बनेगा। तो जिसको आप लोगों ने सेकंड नंबर पे ऐड किया होगा वो फिर उस ग्रुप का एडमिन बन जाएगा। जैसे पहले मेंबर तो आप थे क्योंकि आप लोगों ने उस ग्रुप को बनाया है और उसके बाद आप लोगों ने जिसको भी ऐड किया है सेकंड नंबर पे वो फिर उस ग्रुप का एडमिन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन में कैसे ग्रुप बना सकते हैं और कैसे मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर आप लोग इसको जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के गूगल पे एप्लीकेशन में ग्रुप से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के हाउ टू हिंदी चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड टिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होता यह है कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।